सच का पता तो मारा दिमाग लगा लेगा और क्रिमिनल का पता मारा अंदाज. Come on, ladies and gentlemen, make some noise for the brilliant cast and crew, of course. स्टार कास्ट नहीं बोलूंगा बिकॉज दीज आर द कैरेक्टर्स जो कि पहले कैरेक्टर में जाते हैं और फिर ऑफ कोर्स स्टार्स तो वो सब हैं ही. गिव इट अप फॉर द वन द ओनली अनुपम खेर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. जी प्लीज भाई, एससीपी राठी है छोरी का नाम है पिक्चर में, तालियां बजा लो यार नहीं तो डंडे चल जाएंगे. ईशा गुप्ता लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स द डायरेक्टर ऑफ द मूवी मिस्टर अशोक नंदा लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां. So congratulations, one more time. वो जैसा कहते हैं ना कि बॉल को एकदम बाहर फेंक देते हैं, वापस आपने वही कर दिया है. अशोक से सबसे पहले चीज आपसे जानना चाहूंगा, कुमुद जी हैं इसमें, अनुपम सर हैं, ईशा गुप्ता हैं. How easy or how difficult does it become to direct a stalwart like him and the others? उनको जरूरत नहीं पड़ती है. So क्या direction में क्या बोलना पड़ता है सर इन लोग को, मतलब सीन कैसे समझाते हैं ये बता दो आप. सीन समझाना पड़ता है बस, कैमरा ऑन है कब इतना कहना पड़ता है बस. खाली यही बताना पड़ता है. कैमरा इज ऑन. राइट राइट. यू नो ईशा, व्हेन यू वर्क विद पीपल लाइक अनुपम खेर साहब, यू नो इंस्टीट्यूशन ऐसा कोच में बोल सकते हैं उनको, एंड ही इज लाइक हाँ ठीक है यार, तारीफ ज्यादा मत कर दो. सो हाउ इजी डज इट बिकम फॉर यू? मैं अगर वैसे आई थिंक अनुपम सर को मिलती तो बहुत नर्वस होती. इस बार भी जो मेरा पहला दिन था वनडे के सेट पे, नर्वस से ज्यादा एक्साइटेड बहुत थी, बिकॉज एक्टर्स प्रिपेयर्स की मैं प्रोटेजी हूँ. तो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी कि जो मेरे गुरु हैं उन्हीं के साथ अब मैं सीन शेयर करूंगी, स्क्रीन स्पेस शेयर करूंगी. बट अनुपम सर का एक चीज़ बोलूंगी, एंड सर इसलिए नहीं क्योंकि आप यहाँ पर हैं, सर के पीछे से भी मैं जब नहीं होते और कोई पूछता यही बोलती हूँ, इतनी फिल्म सर ने कर ली बट अभी भी वो पूछते हैं अच्छा ये मेरा शॉट ठीक है. wow. मतलब वो और सर से पूछते या हम लोगों से कि ठीक बोला, अच्छा एक और ले लिया. एंड आई थिंक हमें और ये सीखने को मिलता है, अच्छा जितना मतलब पूरी उम्र है हमारे पास सीखने के लिए, एवरी डे वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, वेरी वेल पुट. और सर आपसे क्या मैं पूछूं, सिर्फ एक चीज जो आई एम श्योर बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, जो दोज हु एस्पायर टू बिकम एक्टर्स, उनसे उनके दिल में होगी ये बात. हैव यू एवर फेल्ट दैट वो बटरफ्लाइज ऐसा कुछ सेट पे जाने से पहले, या आजकल कभी होता है? आई ऑलवेज फील बटरफ्लाइज. अभी भी? या इफ बटरफ्लाइज आर नॉट देयर दैट मींस यू आर अ डेड एक्टर. बट थैंक्स टू अशोक जी, ये मॉडेस्ट होके कर, इन्होंने जीना आराम किया हुआ था शूटिंग के दौरान मेरा. नहीं नहीं सर वो बात नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा सर, नहीं सर ये नहीं सर, दोबारा करते हैं. बड़े ढीठ हैं, और जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं बड़े ढीठ होते हैं. अच्छा. बहुत ही ढीठ होते हैं, और ये बहुत ढीठ हैं. बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर जितने भी कलाकार बैठे हुए हैं जो भी मंच पर नहीं हैं. आई थिंक व्हेन यू वर्क विद पीपल हु नो देयर जॉब, तो आई बिकम फ्राइटेंड. Because I go to every set, especially in the last few years, right. as a newcomer. Right. And there is so much to learn from these actors who are here. Anand yahan baithe hain. Ye saare jo naye kalakar inke saath aaye hain. And sabse badi baat hai ki when your student works with you, then you have to do well. Right. Because unke man mein ye hota hai ki inhone mujhe padhaya hai, hamare school se hain ye. To excitement khud hi banani padti hai apni. You see, you have to be excited about your work. The day you carry the burden of veteran, legend, thespian, वो सब आपको इसलिए किताब दिए जाते हैं कि भाई आपके रिटायर होने का टाइम हो गया. लेकिन जैसा कि इसने बोला डायलॉग कि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं. और मैं तो नौकरी से भी अगले 50 साल तक रिटायर नहीं होने वाला. क्या बात है, खेर साहब के लिए तालियां, कम ऑन. मैंने इसीलिए उनमें से कोई भी शब्द यूज नहीं किया, बच गया मैं. नहीं तो अभी बाकी मेरे पे आ जाती. ईशा, व्हाट डू यू हैव टू से, मतलब टीचर को देख लिया, कितने नंबर मिलेंगे इनकी परफॉर्मेंस के लिए? हो जाए मतलब ये आपने बहुत ही गलत सवाल मुझसे गलत बंदे से पूछा है. बट आई थिंक अशोक सर से आप पूछिए, क्योंकि सारी मेहनत अशोक सर ने की है. मैं अपने लिए तो यही बोल सकती हूँ. सॉरी टू इंटरप्ट. I think it's very important in today's time to make movies like this, yeah. because movies like this have great future. Audience ko bhi wo cliches nahi de sakte hain. When he came to with this script, mujhe bahut acha laga. Aur isme baaki actors jo aaj yahan nahi aaye hain, Kumud Mishra ji hain nahi aaye, Rajesh Singh ji nahi aaye, un sab ka yogdan bahut hai. To life offers you challenges and comfort zones. You have to choose challenges because that will make your life comfortable. Amazing. Later on. Amazing. So this is fantastic. Baki to bahut hamare utar chadhav zindagi mein bahut hai, kyunki mere ko lagta hai ki main
काम जानता हूँ, मैंने 515 फिल्में लगती हैं, उनकी ये दूसरी तीसरी फिल्म है, उनको लगता है कि मैंने पूरा काम किया है स्क्रिप्ट पे. बट हैट्स ऑफ टू हिम, इज वेरी गुड. द होल टीम, एवरीबडी, को प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी हैज डन अ ग्रेट जॉब. आई थिंक वी वेरी हैप्पी टू बी दिस एंड दिस इज द प्रोड्यूसर. दैट्स राइट, वी जस्ट सॉ द रिस्पॉन्स, इट वाज सुपर्ब. एंड ऑन दैट नोट, मे आई इनवाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवी, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर केतन पटेल एंड मिस स्वाति सिंह. जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. Welcome, Ketan. Welcome, Swati. Thank you. Congratulations on this. You know, again, एक ऐसी फिल्म, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हार्ड हिटिंग है, फास्ट पेस्ड है, थ्रिलर है, ये इसको बैक करना कितना कितना आसान है आज के दौर में और कितना मुश्किल है? See, film like One Day doesn't require anybody's backup. Wow. वो स्क्रिप्ट और कंटेंट जब हमारे पास आया, वो itself was a backup because right. One Day जैसी फिल्म बननी चाहिए, it should be promoted on a big level. और व्हेन यू हैव खैर साहब, अनीशा गुप्ता, आपको और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? एंड अशोक जी इज अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, सो थैंक यू. सेकंड थॉट कोई था? थैंक यू फॉर द सर्टिफिकेट. नो बट लाइक स्वाति राइटली सर, आई एग्री, द फिल्म, द स्क्रिप्ट इज ऑन इट्स ओन सो गुड दैट आई थिंक दैट्स द मेन हीरो ऑफ द फिल्म. राइट राइट. अशोक सर, मतलब सेट पे तो खैर साहब ने जैसे बताया, बहुत लुक भी एक्सचेंज हुए हैं, बातें भी हुई हैं, सो अभी ये जो प्रोडक्ट सामने आ गया, व्हाट डू यू हैव टू से सर? कुछ तो दो शब्द. ही हैज टू से सर, कुछ तो बोल दो सर. जो रीटेक्स हो रहे थे उसका रिजल्ट यही है. नहीं, आई थिंक अशोक इज अ वेरी इज अ शाय पर्सन, बट ही इज वेरी, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. हिज टेक्निकल बैकग्राउंड इज हेल्प्स हिम ग्रेटली. When a movie like this happens, you have to do what you don't do in other movies, because merely it's about the film is about a retired judge. The day when he retires, he discovers it's not hidden, so it's there. So I can reveal the story so that it involves a certain. तो जिस दिन वो judge retire होते हैं, उस दिन उनको एक ऐसा हादसा होता है और उनको पता लगता है कि उनकी ज़िंदगी के पूरे साफ सुथरे करियर में चार केस ऐसे थे जिनमें अपीलों की वजह से, जिनमें गलत सबूतों की वजह से उनको, उन चार लोगों को सज़ा देनी थी. एंड देन ही हैड्स आउट टू डिलीवर जस्टिस व्हेन ही इज रिटायर्ड, एंड देन देयर इज पुलिस ऑफिसर लाइक हर, शी वांट्स टू. सो इट्स अ कैट एंड माउस स्टोरी एंड वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड. And I'm sure people will like it. People should see it. Fingers crossed, sir. Zarur se 14 tarikh ko, I'm sure they're going to watch it. It's over to the media. I'm sure aap logon ke man mein bhi bade sare sawal hai. So we'll take the questions from the media. Nahi, nahi, because ye wo puchhenge. Pehle to main batata hu na, main pichle 35 saal se apne doston ko janta hu. Pehle ye picture ke bare mein puchhenge. Phir kaise, agar jo ek baat aapse puchni hai, to mere ek chacha ji the jo hamesha bolte the, dusri baat kya hai na. तो हम सब बच्चों को सब यही टेंशन रहती थी, पहली बात क्या बोलने वाले थे. चलिए, एनीवे, सो वी विल जस्ट टेक द चेयर्स. और हाँ ठीक है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हमको भी नहीं पसंद होते थे, है ना, अचानक से कुछ आ जाता था गूगली, तो यहाँ पे भी फिल्म से रिलेटेड ही पूछ लेंगे. बाकी तो खैर साहब है, दे कैन आस्क एनीथिंग. हाँ जी, आइए. एंड देन वील हैव अ क्विक फोटो ऑप, ऑफ कोर्स वील हैव द एंटायर कास्ट ओवर हियर. या जी जी मनोज सर, आ रहा हूँ. पिक्चर के बारे में बताना चाहूँगा पहले तो मैं आपको, जस्ट बिकॉज अब अगली सीट पे बैठे हो मतलब इसका फ़ायदा उठा रहे हो. अच्छा, जैसे तुम्हें याद ही नहीं था, पूरी शक्ल पे लिखा हुआ है मोदी जी. नहीं, आई थिंक इट्स वंडरफुल. यस सर, कुछ आपने ऐसे हाथ खड़ा किया या मतलब? अच्छा अच्छा, इफ देर आर नो क्वेश्चन वी आर हैप्पी टू बी हैप्पी लाइक दैट. दैट्स अ गुड, दैट्स अ गुड सिचुएशन. यस सर. This is Ravi from ABP. हाँ जी, हाँ जी, of course, Ravi जी. कैसे? अनुपम सर, legal system के बारे में film है, उसका background ये है, legal system कैसा है, एक retired judge को बाद में पता चलता है कि उसने कुछ गलत decision दे दिए, लेकिन अगर हम देश के हालात की बात करें तो पूरे देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है. yes. लोगों को न्याय नहीं मिलता है और गरीबों को तो बिल्कुल न्याय नहीं मिलता है. yes. हमारा लीगल सिस्टम बहुत ही खराब है. yes. तो उस पूरे लीगल सिस्टम के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अकॉर्डिंग टू मी. हमारे यहाँ इतने सारे, जैसे कि आपने इतने सारे केसेस बताए, इतने सारे केसेस जो हैं
कुछ तो अदालत में आते ही नहीं है, कुछ लोग जेलों में पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास वकील तक नहीं है हायर करने के लिए. सो द दिस इज ऑल्सो दिस विल रिफ्लेक्ट सिस्टम विच नीड्स टू बी बट सब ठीक है, ठीक ही हो जाएंगी चीज़ें मुझे लगता है. बट हमारा लीगल सिस्टम इज आई थिंक वी आर स्टिल फॉलोइंग द ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम. वी नीड टू चेंज दैट. We need to appoint many more judges, much, much, many more judges than they are right now. And judge ko aisa nahi ki retirement ke baad pata lagta hai. Judge ko pata hota hai ki, but it's a technical thing. Emotionally, you can't give judgment. The judge's judgment has to be based on the saboot aur ye sab cheezon ke upar. But I think it's very important to change that. अनुपम सर, आपने बताया कि 515वीं फिल्म है ये आपकी. आपने हॉलीवुड में भी फिल्में की हैं, सीरीज भी की हैं वहाँ पर, और लगातार आप फिल्में इतने 40-35 साल से सक्रिय हैं सारान से. अब जब आप एक्टिंग करने के लिए जाते हैं सेट पर, तो वो एक चीज़ वो क्या है जिसके लिए आप वो स्ट्राइव करते हैं अपने करियर में? जब भी आप घर से निकलते, वो क्या चीज़ अब भी आप पाना बाकी है आपके लिए? एवरी डे नाउ व्हेन आई गो टू वर्क, I tell myself I don't know anything about acting. That is the only way. That's why Isha said that that's the only way. हम सब अपने अपने ज्ञान के तले दबे रहते हैं, और जब तक अपने ज्ञान के तले दबे रहेंगे नया कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा. तो मैं हमेशा ये सोच के जाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, और उससे बड़ा फर्क पड़ता है. और जो भी साथ में होते हैं, हम अपनी, मैंने बताया ना, अपनी सीनियरिटी वजह से फंस जाते हैं. पर अगर आप ये जान के चलें, एक सीन था मेरे दो दोस्तों का यहाँ पर, व्हेन वी वर डूइंग दैट, मैंने अशोक को कहा, मैंने कहा यार ये मुस्कुरा रहे हैं सीन के वक्त. तो अशोक ने कहा कि बिकॉज उनका कैरेक्टर है मुस्कुराने वाला. तो बड़ी जल्दी से आसानी से जवाब मिल गया. आई थिंक व्हेन यू आर रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी एल्स, then I think it's a great thing. एक सवाल माफी चाहूंगा उसके लिए, आउट ऑफ सिलेबस ही है. लेकिन मैंने बोला था ना कि दूसरा सवाल क्या है, बोलिए. लेकिन मुझे लगता है पूछना बनता है कि हाल ही में विवेक ओबरॉय ने कल एक ट्वीट किया था और एक मीम बनाया था एग्जिट पोल को लेकर, जिसकी It was very shameful. It's as simple as that. He should have not done that. It's not cool to do that. Absolutely not cool to do that. That's all. Let's move on. ईशा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? आई मीन इट जस्ट शोज योर मेंटालिटी, स्पेशली इफ यू गेटिंग अ माइनर इन्वॉल्व. आई थिंक इट्स वेरी, इट्स नॉट इन गुड टेस्ट एट ऑल, बट इट जस्ट शोज हाउ ही इज नॉट, इट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट अदर्स आर, एंड दैट्स ऑल आई लाइक टू से. बट इट वाज लाइक ही सेड, शेमफुल. माफी सहित अनुपम जी, सॉरी, माफी सहित, माफी मांगते हुए ये सवाल मैंने पूछा. आपने बोला था आउट ऑफ सिलेबस मत. नहीं, जो ये तो बात जो सच है, जो उसके बारे में बोलना जरूरी होता है, बिकॉज आई थिंक इट वाज इन पुअर टेस्ट. यस, थैंक यू सर. देखिए, ऑल और जो कलाकार हैं उनसे रेफरेंस नहीं लिया, क्योंकि जो मेरे डायरेक्टर है वो उनका नज़रिया है, वो उन, मतलब दिस फिल्म इज़ हिज बेबी, अशोक सर बेबी. तो क्या होता है, हर डायरेक्टर का एक अपना व्यू होता है. सर ने हमारा एक जो रेफरेंस था, ऑफकोर्स सर ने मुझे एक दो हरियाणवी जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनसे मिलवाया, ताकि समझ में आए उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है. बहुत ही अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, और नॉर्थ की स्पेशली ना, थोड़ी जो वहाँ की औरतें भी होती है ना, वो किसी मर्द से कम नहीं होती. और आई थिंक वो ये पुलिस ऑफिसर भी वैसी है, एक अंदाज होता है बात करने का. वो आई थिंक कुछ भी आप बोले फिल्म को और इस कैरेक्टर को लेके, मेरे लिए स्पेशली मैं बोलूँगी जो भी प्रिपरेशन गई है वो सब अशोक सर के साथ बैठ के. हमारे डायलेक्ट मुझे एक सिखाते थे कि कैसे बोलना है, क्या अंदाज होना है. एक उसकी राठी की एक जनरल नेचर क्या है, सार्कास्टिक है, मगर वो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेती है. मगर वो होता है ना कंबल में लपेट के मारना,
डंडों से भी मारा है उसने मगर जब वो बात करती है उसका अंदाज ऐसा है कि वो प्यार से बोलेगी मगर आपको पता है कि वो नीचे से आपको थप्पड़ मार रही है. तो वो सब जो है किसी एक्टर से नहीं बट वो सर से सिखाया. सर के सारे रेफरेंसेस थे क्योंकि इन्होंने पूरा होमवर्क करके बैठे थे कि वहाँ पे जैसे मैंने बोला हरियाणा बहुत अलग है. मैं पंजाबी हूँ बट एक हरियाणा और पंजाब की डायलेक्ट इतना अलग है कि मैं नहीं बोल पा रही थी. तो सब क्या सब आई थिंक शायद सबको सर को जाता है. हेलो, पूजा नवात है फ्रॉम इंडिया न्यूज़. हेलो, मेरा सवाल अनुपम जी से है. सर आउट ऑफ सिलेबस है, सॉरी. 23 तारीख को गवर्नमेंट अनाउंस होंगी तो आने वाले गवर्नमेंट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं इस देश में? Well, I think we always used to dream about one day we will have a corruption-free government, one day we will have a prime minister who will only talk about the development in the country, one day we will have not to give any bribe to anybody to get our student children admission. One day that happens, and I think one day has come. And that's what I will say, and I think they are doing a great job. Main abhi किरण के प्रचार के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था एंड आई डिस्कवर्ड, मैं जब कॉलोनीज में बाहर के शहर के बाहर की कॉलोनीज में गया था, यू नो व्हाट आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज, नॉट सरप्राइज्ड, सो हैप्पी अबाउट दैट द यंग जनरेशन डज नॉट बिलीव इन जात पात, अमीर गरीब, ये इस जाति का है वो उस जाति का. दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट टेकिंग इंडिया टू अनदर लेवल. And that is, I think, what we need to expect, and that's what's going to happen. At least the exit polls say that. Yes, please. Isha ji, hi. आप दोनों को congratulations for the movie. Trailer looks very, very promising. मेरा सवाल आपसे ये, Isha ji, since you are his protege, what was your first day on the shoot? मगर कौन सा, अगर आप पूरा ना बता सके, scene कैसा था और क्या आपका reaction था? मतलब enact कैसे कर पा रहे थे? Was it difficult for you? What was it? आप ही बताइए. I think डिफिकल्ट से मैं बताता हूँ इसने क्या किया था. इनने अशोक जी को कहा कि मेरा पहला शॉट जो है सर के बगैर ले लेना, अलग से सर का अलग से ले लेना. बट देन लेटर ऑन आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब. इट वाज अ लॉन्ग सीन. आई थिंक इट वाज अ क्लाइमैक्स वी स्टार्टेड शूटिंग विद वेयर शी हैड 3 pages ऑफ डायलॉग्स एंड आई हैड हाफ ए पेज ऑफ डायलॉग. 2 minutes तो आई थिंक जहाँ मुझे गुस्सा होना है मेरे फेस ऐसा था क्योंकि मैं जब सर को देखती है ना वो लाइक हाय सर एंड वो एंड यू नो लाइक जब आप जानते हो आपके कोई गुरु हैं आपको पता है कि वो कैसे रह चुके हैं. इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी. ऑफ कोर्स एक काफ़ी स्ट्रेस था कि मतलब यू नो मोर देन मेकिंग हिम अ लेजेंड और एनीथिंग, जो भी है एक गुरु का जो महत्व होता है आपकी लाइफ में आई थिंक सबसे ऊँचे दर्जे पर होता है. आपको काफ़ी एंड मैंने तो सर से ही सीखा है. तो ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, मैंने बोला था कि अलग से मेरा शॉट ले लो क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट शॉट ओनली. आफ्टर दैट आई थिंक व्हाट द पीपल हु हैव आई थिंक लर्नड फ्रॉम इट इज नॉट दैट दे आर नर्वस, दे डोंट वांट टू डिसअपॉइंट द टीचर, दैट दे वांट टू, दे आर एक्साइटेड बेसिकली. आई थिंक शी इज डन ए ग्रेट जॉब. एवरीबॉडीज जॉब इज फैंटास्टिक इन द फिल्म. राजेश इज वेरी गुड. कुमुद जी जो अभी आए नहीं हैं, बहुत अच्छा. उनके साथ काम करके मेरा पहला सीन उन्हीं के साथ था, बहुत अच्छा लगा. आई मस्ट से दैट दिस यंग प्रोड्यूसर हैज रियली स्टूड बाय अशोक जी. दे हैव रियली डन ए ग्रेट जॉब. वी हैव द यंगेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर आल्सो हियर, यश नंदा, हु इज अशोक जी सन. ही वाज खड़े पे दिखाओ, द स्टेज पे आगे दिखाओ. He walks also like Ashok sir. Yeah, ये अशोक जी का बेटा, ये youngest assistant director था. इसने 2-3 shot भी लिए हैं, इसने 2-3 shot approve भी किए हैं. So he wanted his name also instead of my name, he wanted his name. इन्होंने अपना कंप्यूटर में इनका ना पिताजी का नाम निकाल दिया था, अपना नाम डाल दिया डायरेक्टर भाई अश्नंदा. तो थैंक यू. हाँ जी. Yes, please. Anybody else? Yes, sir. मेरा सवाल प्रोड्यूसर से भी है कि जब अनुपम सर जैसे लेजेंड अगर आपके फिल्म में आ जाते हैं, डू यू थिंक कि जो फिल्म की जो स्टोरी होती है उसको और एक वजन मिल जाता है एंड जो बोलते हैं ना जो कैरेक्टर होता है वो हाँ यही एक एक्टर है जो जस्टिफाई कर सकते हैं, इनफैक्ट उन्होंने और बढ़ा दिया होता है उसका जो ओहदा होता है. व्हाट डू यू वांट टू से? एक्चुअली जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो खैर साहब को ही दिमाग में रख के लिखी गई थी और उनके अलावा हमारे पास कोई सेकेंड चॉइस नहीं था, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता था. आपने सेकंड चॉइस के बारे में पूछा था? एड्रेस दे देना मुझे अपना. अच्छा, एक ही जैसा हीरा है दोस्त, और कोई नहीं मेरे जैसा.
कोई जस्टिस नहीं कर सकता था. ऑफ कोर्स. थैंक यू. ओके बार मिली मैनू. अनुपम सर, जैसे फिल्म का नाम वनडे है, तो अगर आप किसी एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या उनके विपक्षी दल के बनते तो क्या करेंगे? मैं विपक्षी दल का क्यों बनूंगा भाई? मेरे को किसी ने काटा है क्या? अगर आप पीएम बनेंगे तो क्या करेंगे? और जो पीएम है वो सही है मेरे हिसाब से. आई थिंक वो अपना काम बहुत सही कर रहे हैं. मैं एक दिन के लिए अनुपम खेर और हजारों दिनों के लिए अनुपम खेर अच्छा हूँ मैं. इट्स वेरी गुड. मैं 1,25,000 से एक बिड़ा दूं आप. यस जी. मैं पूछ लूं फिर. अनुपम सर, इज इट डिफिकल्ट टू अप्रोच एन एक्टर ऑफ योर कैलिबर? इज द इजीएस्ट थिंग. हाउ डू वी डू इट? लाइक आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड लव टू नो दैट. यू जस्ट हैव टू हैव अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड ग्रेट पैशन. राइट. आप यू विल दिस आई कैन से इट इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंट द प्रेस. आई हैव वर्कड विद मैक्सिमम फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स एनीबडी इन द कंट्री. Right from Adi Chopra to Karan Johar to Divakar Banerjee to Neeraj Pandey to Ashok. Ashok ने तो पहली फिल्म बनाई है. सबकी पहली फिल्म में मैंने काम. होटल मुंबई के जो डायरेक्टर थे एंथनी मरास. और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके साथ मैंने काम किया. इज द ईजिएस्ट थिंग इज टू अप्रोच मी. आई जस्ट हैव टू लाइक द पैशन. फॉरगेट अबाउट द स्क्रिप्ट. द पैशन ऑफ द डायरेक्टर. बिकॉज वेन यू आर वर्किंग विद द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, the first time director gives everything to a film and uske baad phir depend karta hai wo kitna kaam kar sakte hai. Right. Was it that easy for you to main thoda wo verification cha raha hu. Yeah, yeah, kya karna mujhe, mera pata karna hai Harman D'Souza ka address pata karna hai. Harman ka na main email address batata hu jitne bhi yahan bhavi director baithe hain mujhe. Acha, one more trivia which is the most important trivia. That in 35 years, there's not been a single day, single time, single hour when I am not having any film in India. This is the first time after one day, right now, I have no film in India and still I feel most empowered actor in the world. Superb, superb. This is the first time. This is the, in the last 35 years, 25 मई को परसों 25 मई को एक दो चार बिंदाद मुझे हो जाएंगे फिल्मों में 35 साल. 25 मई 1984 को सारांश रिलीज हुई थी और दो दिन बाद है और 35 साल हो जाएंगे. और इन 35 सालों में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और अब पहली बार ऐसी कोई फिल्म नहीं है. तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर फिल्म बनाने वाले सब आ जाओ. I'll be back in 1 year's time from New York and then we'll start life all over again. सही है, तैयार है सब लोग, है ना? Sir, एक चीज, this is for the director as well as you. Press वालों को दूसरी जगह जाना है. हाँ नहीं. ज़्यादा time नहीं गुज़ारा. कि one day, you know, एक एक वो Wednesday का भी कहीं ना कहीं कुछ एक वो थोड़ा सा feel आया, you know. So what do you have to say on that? अशोक सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं. Crime thriller is the common thing between both. Right. But storyline is completely different. Right. वो आम आदमी और वही आम आदमी का तकलीफ, आम आदमी को जस्टिस मिलना, all these things. I think you've just answered that. So you'd like to add something to that? No, that's all. I was thinking how to make it different. Yeah. Physicality wise. So usually when you do the old man's role, आपके कंधे झुक जाते हैं. In this film, I consciously kept the shoulders back, and it was it's just some small little details. It's not right. Important. बाकी सब ठीक है पीछे, दोस्तों? क्या कह रहे हो? किस किन? हाँ, मतलब कौन कौन? पहली तो इलेक्शन, दूसरी तो समझ. अपनी फिल्म. हाँ, साथ में सेलिब्रेट करेंगे. सर मानना पड़ेगा, ये आपकी प्रेजेंस है. वहां से आज तक सवाल नहीं आया सर. ये अपने जान कभी नहीं आया. ये बाहर मिला था, मैंने इसको पकड़ाया था कुछ एक लिफाफा जा. मतलब उतनी दूर से. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. वहां से आई नीड टू इनवाइट ऑल द कास्ट मेंबर्स एंड अदर पीपल ऑन द स्टेज बिकॉज़ दे आर वेरी. आइए एंड वी विल हैव अ क्विक फोटो ऑफ कोर्स विद द कास्ट एंड द क्रू.